नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। बॉलीवुड की अगर हॉरर फिल्मों की बात की जाए और उनमें विक्रम भट्ट का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल हॉरर फिल्म के शहंशाह कहे जाते हैं विक्रम भट्ट, और इस कड़ी में अब एक और बेहतरीन हॉरर फिल्म लेके आ रहे हैं विक्रम भट्ट, जिसका ट्रेलर हाल ही थोड़ी देर पहले ही यानी रिलीज हुआ है। यहाँ फिल्म का नाम है गोस्ट। इससे पहले विक्रम भट्ट राज 1920 और हंटेड 3D ऐसी बेहतरीन हॉरर फिल्में बना चुके हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि लोगों को डराने में उन्हें काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि इनकी फिल्में इतनी बेहतरीन होती हैं कि आप जब सिनेमा घरों में जाते हैं इन्हें देखने तो कभी कभी आपको ऐसे ही लगता है कि आप शायद ये फिल्म में नहीं, रियल में आपके साथ ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं फिल्म गोस्ट के बारे में, तो ट्रेलर देख के आपको साफ पता लग जाएगा कि इस बार जो डर है वो दुगना कर दिया है और माहौल जो डर का है वो बढ़ा दिया है विक्रम भट्ट ने, क्योंकि फिल्म में आपको साइना ईरानी और शुभम भार्गव की जोड़ी दिखेगी जो एक आत्मा का खात्मा करने के चक्कर में जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं, और किस तरीके से वो इस आत्मा का खात्मा करते हैं यही इस फिल्म की एक कहानी है जो बेहद उम्दा दिख रही है ट्रेलर के अकॉर्डिंग। एक्टिंग के बारे में बातचीत की जाए तो दोनों ही कलाकारों ने बेहद बेहतरीन एक्टिंग की है। तो वहीं साइना ईरानी बतौर लीड एक्ट्रेस पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर आने वाली हैं। साइना ईरानी के बारे में बातचीत की जाए तो इससे पहले वो फिल्म साल 2006 में आई सुपरस्टार आमिर खान की फना में सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। उसके बाद वो पिछले साल आई फिल्म पीहू में भी नजर आई, लेकिन लीड एक्टर के तौर एक्ट्रेस के तौर पर पहली बार साइना ईरानी फिल्म गोस्ट में नजर आने वाली हैं। टेलीविजन की दुनिया में मनोरंजन की जगत में कदम रखने वाली साइना ईरानी ने मिले जब हम तुम, कसम से और इस प्यार को क्या नाम दूँ जैसे तमाम बेहतरीन टीवी सीरियल्स में काम किया, और उसके बाद उनको आखिरकार एक फिल्म मिली है वो भी विक्रम भट्ट की। और आप जानते हैं जब विक्रम भट्ट अपनी हॉरर फिल्म से किसी एक्ट्रेस या एक्टर को लॉन्च करते हैं तो वो आने वाले समय में बॉलीवुड का बहुत बड़ा सितारा बनता है। इसमें इस कड़ी में नाम आपको बता दूँ रजनीश दुग्गल का है जो जिनकी जोड़ी है, और अदा शर्मा का जिनकी जोड़ी है आपने फिल्म 1920 में देखी होगी। इस फिल्म की कहानी के साथ साथ गानों को लोगों ने काफी पसंद किया, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो गोस्ट फिल्म है उसकी कहानी और गाने लोगों को काफी पसंद आएंगे, क्योंकि विक्रम भट्ट की जितनी भी हॉरर फिल्में रही हैं उनकी कहानियों से ज्यादा उनके गाने सुपरहिट होते हैं और लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। तो कई कयास ऐसे भी लग रहे हैं कि इस बार एक बार फिर से विक्रम भट्ट हॉरर स्टोरी के साथ साथ बेहतरीन सॉन्ग से लोगों को लुभाने के लिए तैयार है। शुभम भार्गव के बारे में बता दें कि बेहतरीन एक्टिंग की है उन्होंने, अदाकारी के कुछ बेहतरीन टैलेंट और नमूने दिखाए हैं इस ट्रेलर के दौरान। तो कहीं उनके जो एक्टिंग करियर की बातचीत की जाए तो बतौर लीड एक्टर वो भी पहली बार बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, यानी कि दोनों जो नए कलाकार हैं एक तरीके से कह लीजिए उन पर विक्रम भट्ट ने दाव खेला है। अब देखना ये होगा कि राज और 1920 और 100 3D ऐसी सुपरहिट फिल्में बनाने के बाद में क्या घोष्ट विक्रम भट्ट को उतनी सफलता दे पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 18 अक्टूबर 2019 को यह फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी, और जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आप तैयार रहें और अपनी कमर की पेटियाँ बांध लीजिए, क्योंकि थिएटर में एक बार फिर से विक्रम भट्ट आपको डराने के लिए तैयार हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।